राम राम किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जो किसान भाई गर्मी के फसल में धान की खेती किया हुआ है, उसके धान की फसल में तना छेदक और सफ़ेद तितली का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले तो 505 बाइपेंथ्रीन के साथ में एसीफेट या कल्टाफ हाइड्रोक्लोराइड मिलाकर स्प्रे कर देने से आसानी से कंट्रोल हो जाता था, लेकिन अभी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इस वजह से कंट्रोल नहीं हो रहा है, और कंट्रोल भी हो जाता है तो 2 दिन 4 दिन में वापस फिर से दिखने लगता है। तो इसके लिए ऐसा कौन से दवाई का उपयोग करें कि लंबे समय तक असर रहे, कम से कम 15 दिन तक असर रहे, उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किसान भाइयों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को दबा देना, ताकि मैं समय समय पर इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो किसान भाइयों, लंबे समय के लिए तना छेदक, पत्ता लपेटक और सफ़ेद तितली के कंट्रोल के लिए सबसे पहले तो आप कोराजन डालिए। कोराजन के साथ में केल्डान डाल दीजिए। केल्डान जो कि धानुका का आता है, उसका टेक्निकल रहता है केल्डान का, कल्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 50% SP, और कोराजन में जो टेक्निकल रहता है उसका नाम है क्लोरो अल्ट्रानिडी प्लो। इसको डालकर आप लंबे समय तक कीटों से नियंत्रण पा सकते हो। यदि इसको नहीं डालना है तो आप सिजेंटा का एम्पिडिगो डाल सकते हो। एम्पिडिगो में क्लोरो अल्ट्रानिडी प्रो और लेमडा साइलोथीन, ये दोनों केमिकल कंपोजिशन रहते हैं जिसके वजह से यह अच्छा से काम करता है। और यदि किसान भाइयों इन दोनों को नहीं डालना है तो आप सिजेंटा का नया प्रोडक्ट है जो कि पिछले साल आया है, सिमोदिश, उसको डालकर अच्छे लंबे समय तक तना छेदक, पत्ता लपेटक कीटों से नियंत्रण पा सकते। इसमें जो कंपोजिशन है उसका नाम है आइसोसाइको सेरम। तो किसान भाइयों, आप इनमें से किन्हीं एक दवाई का प्रयोग करके आपके अपने धान के फसल में होने वाले तना छेदक, पत्ता लपेटक और सफ़ेद तितली जैसे कीटों का रोकथाम कर सकते हो। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।